आपके साथ सैम परवीन और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। दोस्तों, दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी और देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली तिहाड़ जेल के अंदर चार कैदियों ने जिस तरह से एक अन्य कैदी की हत्या कर दी, वो न केवल हैरत में डालती है बल्कि जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करती है। 20 दिन के अंदर तिहाड़ में ये दूसरे बड़े गैंगस्टर की हत्या है। टिल्लू ताजपुरिया नाम के इस गैंगस्टर की हत्या से जुड़े डिटेल्स परेशान करने वाले हैं। दोस्तों, एक बात तो साफ हो जाती है कि ये हीट ऑफ द मोमेंट में अचानक की गई ऐसी हत्या नहीं है जिसके बारे में किसी को भी पहले से कोई अंदाजा नहीं था और इसलिए उसे रोकने के लिए कुछ करने का मौका नहीं मिला। जेल की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकियों पर गौर करने के बाद ये पूरी तरह से सुनियोजित ढंग से अंजाम दी गई घटना लगती है। दोस्तों, इस घटना से जुड़ी दोनों गैंगों के बीच की दुश्मनी कोई छुपी हुई बात नहीं थी, जो लंबे समय से चली आ रही थी। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि मारे गए गैंगस्टर को एक सप्ताह पहले सुरक्षा कारणों से ही मंडोली जेल से तिहाड़ जेल लाया गया था। जाहिर है इसके पीछे सोच यही रही होगी कि तिहाड़ जेल में वो ज़्यादा सुरक्षित होगा। दोस्तों, ना सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से बल्कि अन्य पैमानों पर भी तिहाड़ जेल देश की सबसे मॉडर्न और सबसे अच्छी जेलों में गिनी जाती है, फिर भी पुलिस की सुरक्षा में हत्या की घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों, ऐसे में ये सवाल पूछा जाना लाजमी है कि जब तिहाड़ जेल का ये हाल है तो बाकी जेलों की क्या स्थिति होगी। दोस्तों, इस हत्या से जो दो गैंग जुड़े हैं उनकी दुश्मनी की शुरुआत 2013 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज के स्टूडेंट यूनियन चुनाव से हुई बताई जाती है। उसके बाद इनके बीच हमलों और हत्याओं का जो सिलसिला शुरू हुआ उसमें अब तक दोनों गैंग सरगनों सहित 22 लोगों की जाने जा चुकी है। दोस्तों, जिस तरह से ये गैंगवार चलती रही उससे ये साफ है कि जेल के अंदर या बाहर होने, पुलिस हिरासत में होने, यहाँ तक कि अदालत परिसर में होने से भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। दोस्तों, टिल्लू गैंग के लोगों ने जब विरोधी गैंग के जितेंद्र गोगी की हत्या की तब वो सुनवाई के लिए रोहिणी कोर्ट ले जाया गया था और खुद टिल्लू भी तब जेल में ही था और जेल के अंदर से ही अपनी गैंग चला रहा था। जाहिर है कि दोस्तों, ये पूरा मामला तिहाड़ या किसी भी एक जेल की व्यवस्था में हल्की फुल्की चूक या लापरवाही का फायदा उठाने का नहीं बल्कि अपराध नियंत्रण की हमारी पूरी व्यवस्था की नाकामी को दर्शाता है। हमारी पुलिस और प्रशासन दोनों को बहुत सुधार करने की जरूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब आम जनता के साथ साथ कैदियों को भी जेल के अंदर क्राइम होने का डर लगा रहेगा। क्योंकि आजकल हो भी यही रहा है, पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम कोई भी हत्यारा, कोई भी गैंगस्टर बाहर और अंदर खुलेआम क्राइम कर रहा है और पुलिस इन पर लगाम भी नहीं लगा पा रही है। दोस्तों, आपका इस मामले को लेकर क्या कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।